जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ, तो कहा जाता है कि आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, आपको स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या हो रहा है. उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक बॉच्ड स्ट्राइक है. और ये भी हो सकता था कि लोग आपको एक वॉर मॉन्गरिंग लीडर के तौर पर समझे कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, आप जंग छेड़ना चाहते हैं. उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर यू वर टेकिंग सच अ स्टेप, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखिए, जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था. मैं बेचैन हो गया था. मैं केरल गया था, मैंने केरल में एक पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र भी कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं और मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरा व्यक्तिगत आक्रोश, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए. मैं संतुलन समझता हूं. लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की. लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज़्यादा लगी हुई है. वे किसी भी हालत में, इस परिस्थिति में, देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं. तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है. और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे. मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास. दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था. आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ. मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं. मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े. तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो. दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई. उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चनें, उसको भी देखा गया, क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई. और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था.